अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पेट्स कैप्टिव एंड वाइल्ड। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आज मैं आपको लाया हूं थल के इलाके में। यहां पर दोस्तों जो गोरा तितर है या ग्रे पार्ट्रिज जिसको आप कहते हैं, तो ये उसका हैबिटेट है। यहां पर वो अपने जो है ना एगलिंग करता है, और मुझे जहां पर मतलब ख़बर मिली है कि कुछ पार्ट्रिजेस ने यहां पर जो है वो एगलिंग की हुई है। चिक्स भी हैं यहां पर, लेकिन चिक्स जो है वो हमारे रेंज में नहीं आ रहे। ये तारा मीरा जिसको कहते हैं उसू, इसको हम सराकी में कहते हैं उसू, ये है उसू। और यहाँ पर ही वो जो है वो अपनी नेस्टिंग और इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है। मैं देखता हूँ कि इस तरह की वो जो झाड़ियाँ हैं यहाँ अपने वो नेस्टिंग करता है। तो मैं हंट आउट करूँगा, लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट करके आपको दिखाऊँगा कि जो है वो कहाँ पर इसने अपने एग्स दिए हुए हैं। देखते हैं कि यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ लगता है कि ये जो थोड़ा सा झाड़ी है इसमें कुछ चांस है, क्योंकि उसके चलने के पाँव के जो निशान हैं पंजे, वो मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग भी, मैं पहले आया हूँ, और ये देखें जनाब, ये ढूंढ लिए ज़बरदस्त। ये जनाब मादा ने 4 दिन 7 और 4 11 अंडे जनाब उसने यहाँ पर ले किए हुए हैं। अभी इनमें से जो है वो बच्चा कोई नमूदार नहीं हुआ, या शायद कोई बच्चा निकल, लेकिन होता तो यहाँ पर मौजूद होता। ये दोस्तों उसने अपने एक्स ले किए हुए हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले लगाई थी चिक्स के हवाले से, एक और ये जगह है। तो आप दोस्तों से पहले, हंटर्स दोस्तों से पहले मैंने इल्तमास किया था कि इनकी हंटिंग से परहेज़ किया करें, इनको ब्रीडिंग का मौका दें, क्योंकि ये तेज़ी से कम हो रहा है और अपने जो है वो मुंह के जो स्वाद के लिए इसको कम से कम हंट आउट किया करें। ये देखें दोस्तों कितने खूबसूरत इसके एग हैं, और इसके चिक्स भी इसी तरह से होते हैं, उस पर जो है स्ट्राइप्स होती हैं इसी तरह की जो एग्स के ऊपर हैं। तो दोस्तों ये है जनाब आज तक की आज की वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।